हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम सब इस कपड़े से गैस स्टोव का कवर बनाएंगे। जिसको बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, इसके लिए क्या करते हैं, ये हम इसकी नाप लेते हैं गैस की स्टोव की। ये 25.5 इंच है लंबा, और इधर से नापेंगे चौड़ा, तो ये 12 इंच चौड़ा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हम कपड़ा लेंगे तो वो 5 इंच इधर का भी होना चाहिए और 5 इंच इधर, यानी कि 10 इंच एक्स्ट्रा इधर और 10 इंच एक्स्ट्रा इधर कपड़े को लेंगे। अब हम क्या करते हैं, ये नाप लेते हैं कि ये हमारा कितना, देखिए 2 इंच ये है और ये पूरा बनेगा 2 इंच से 9.5 इंच का। ये इस तरह से हम ये नाप लेंगे, इतना 2 इंच इधर हमको छोड़ना है और 2 इंच इधर छोड़ना है। ऐसे ही कपड़े की कटिंग करते हैं। चलिए कपड़े की कटिंग कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कपड़े को हमने 2 फोल्ड में बिछा लिया है ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई नापेंगे। लंबाई हमको रखनी है, हमारी लंबाई है उस गैस स्टोव की 25 इंच, तो इसको हम रखेंगे 35.5 इंच। ये 35.5 इंच रखेंगे क्योंकि 10 इंच हमको एक्स्ट्रा लेना है, तो 35.5 इंच पर हम निशान बना देंगे इसे। और फिर इधर की हम पहले कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमने 35.5 इंच पे ये कटिंग कर ली है लंबाई की। अब चौड़ाई देखते हैं। चौड़ाई हमारे गैस स्टोव की 12 थी, तो इसको हम 22 इंच चौड़ा रखेंगे। ये हमारा 22.5 इंच है, तो इतना ही रखेंगे, इसको कटिंग नहीं करेंगे, 22.5 इंच ही रखेंगे इसको। तो ये हमारा कट गया। अब हम बीच में जो स्टोव होते हैं, गैस स्टोव जो होता है, वहाँ की कटिंग करनी है। उसकी कटिंग कैसे करते हैं देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको क्या करना है, ये हम कपड़े को 4 फोल्ड में बिल्कुल बीच से ऐसे मोड़ देंगे। तो हमने कटिंग कर ली है, ये इधर ये हमने 22 इंच 22.5 इंच रखा है और ये 35.5 इंच रखा है। अब क्या करेंगे, बीच से बिल्कुल सेंटर में ऐसे कपड़े को फिर बीच से मोड़ेंगे इस तरह से। इधर से बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बीचों बीच सेंटर से मोड़ेंगे। और हमारा जो बीच वाला सेंटर है गैस स्टोव का, वो है 6 इंच का, तो हम यहाँ पर 3 इंच पर निशान बनाएंगे ऐसे। 3 इंच पर ये हमको छोड़ना है, 3 इंच पे ये निशान बनाया है। अब हम जो गैस स्टोव उसी कटिंग करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, 4 इंच ऐसे, क्योंकि 4 फोल्ड में कपड़े है कपड़ा है, तो 4 इंच ऐसे कटिंग करेंगे। 4 इंच पे निशान बनाएंगे। अब ये 8 इंच इधर को नापेंगे ऐसे 8 इंच, और 4 इंच इधर से भी नापेंगे ऐसे। अब इस तरह इसको बॉक्स बना लेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये बॉक्स बन गया। ये अब इसकी कटिंग भी ऐसे ही हम करेंगे। देखिए दोस्तों, जो हमें लाइन खींची है, थोड़ा सा छोड़ते हुए इधर से हम यहाँ कटिंग करेंगे, चारों पर कपड़े को साथ में कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये कट गया है। अब इसको हम ओपन करते हैं, खोलते हैं, देखते हैं कैसे बना है। इस तरह से देखिए, ये दोनों बीच में बॉक्स बन गए हैं। अब इसकी हम सिलाई कर देते हैं, ये इस तरह से इसकी सिलाई कर देते हैं। इस तरह रखने के बाद अब इस कपड़े को अंदर को मोड़ते हुए हम मशीन में रखेंगे। जब रखेंगे तो इसको ऐसे थोड़ा सा मोड़ते हुए अंदर साइड को फिर से सिलाई कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से थोड़ा सा इसको अंदर मोड़ेंगे, इधर भी अंदर मोड़ेंगे और इस तरह इसकी सिलाई करेंगे। देखिए दोस्तों, जब ये कॉर्नर पे आते हैं तो ये ऐसे आसानी से मुड़ता नहीं है, तो क्या करेंगे, ज़रा से यहाँ पे कट लगा देंगे, ज़रा से बिल्कुल छोटा सा कट, और फिर ये कपड़े अंदर को ऐसे मुड़ जाएगा इसे आराम से। ये देखिए, ये हो गया है बीच वाला सिलाई, बीच सिलाई हो गई है। अब हम कॉर्नर की ये जो किनारा साइड है, इसको भी अंदर मुड़ते हुए इसकी भी सिलाई कर देते हैं। तीन इधर तो सिलाई है ही मुड़ा हुआ है, 3 साइड ही सिलाई कर देते हैं इसके पहले। देखिए फ्रेंड्स, ये बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हम गैस स्टोव पे सेट करके देखते हैं कैसा बना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह इसको रखेंगे बीच में, उसके बाद ये रख देंगे। आपको ये कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप भी इस तरह से बनाइए। इससे क्या होता है कि जो चीज़ें गिरती हैं वो स्टोव पे नहीं गिरती हैं, स्टोव सुरक्षित रहता है। और ये इतना कटा हुआ है यहाँ पे कि ये जलेगा भी नहीं, यानी कि ये हमारे गैस स्टोव की
सुंदरता को और सुरक्षा को भी बढ़ाएगा। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये तेरे को गंदा दिख रहा है।